अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कुचला हुआ गोश्त बनाने की रेसिपी। तो ये बनाएंगे हम तवे के ऊपर। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। बिना हड्डी वाला गोश्त लेंगे 500 ग्राम। तो गोश्त को पहले हम अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद में इसको ग्राइंडर में दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मोटा मोटा कूट लेना है गोश्त को। गोश्त कूट लेने के बाद में अब हम ये तवे के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। तो साथ में ही हम फ्लेम भी ऑन कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो मसाले ऐड करने के बाद में ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब ये पका लेंगे मीडियम हीट पे 10 मिनट के लिए। और जब 10 मिनट हो जाएंगे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो चाय के कप से 1 कप मेजर करके हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे इस तरह से। पानी ऐड करने के बाद में अब हम ये पकने के लिए रख देंगे। तो पहले ढक्कन से कवर कर देंगे और इसके बाद में फ्लेम को लो कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख के हम ये पका लेंगे। इसमें का जो भी पानी है वो पूरा अच्छे से सूख जाना। तो ये जब तक पका लेंगे हम, यानी कि पूरा ड्राई हो जाना इसमें का पानी। तो ये देखिए, लो फ्लेम पे इसको पकने में अच्छा खासा, यानी कि 20 से 25 मिनट का टाइम लग गया पूरा पानी इसमें का सूख जाने में। अब ये पूरा अच्छे से सूख गया तो हम ढक्कन निकाल लेंगे। और जब पानी अच्छे से सूख जाएगा, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। नमक ऐड करने के बाद में अब हम नींबू का रस ऐड कर लेंगे। 1 नींबू का निकाला हुआ रस है ये, और बारीक कटा हुआ कोथमीर, थोड़ा सा करी पत्ता और 4 से 5 स्लिट की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब ये मीडियम हीट पर तलेंगे हम गोश्त को 10 मिनट के लिए। तो इस तरह से हम गोश्त को तलेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया, ये देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाने तक ये गोश्त को तल लेना है। अब ये कुचला हुआ गोश्त बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ में। ज़रूर ट्राई करके देखिए इस रेसिपी को, बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।